व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप लोगों का शेरू क्लासिक के एपिसोड नंबर 1 में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस साल मैं 3 कंपटीशन खेलने वाला हूं। पहला कंपटीशन जो होगा वो होगा जून में शेरू क्लासिक, दूसरा होगा आर्नोल्ड क्लासिक और तीसरा होगा अमेचर ओलंपिया। तो आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है शेरू क्लासिक की, ये है एपिसोड नंबर 1 और आज से तुम्हारा भाई तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। शादी के एक दिन बाद मैंने सर को कॉल किया, मैंने बोला सर अब मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, शादी पूरी बढ़िया निपट गई है, अब बताओ क्या करना है। सर ने बोला कि सबसे पहले जाके अपना ब्लड टेस्ट करा, तो मैंने अगले ही दिन जाके खाली पेट ब्लड टेस्ट कराया, यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिख जाएगी। बट उस ब्लड टेस्ट वाले ने करा क्या, जो मेरा लिपिड प्रोफाइल था ना उसने वो पूरा नहीं किया, तो दोबारा से मेरे को तीसरा टेस्ट कराना पड़ेगा। बट बाकी 2 टेस्ट आप देख सकते हो बिल्कुल सही है। और मीट माई वाइफ। तो सबसे पहले सर ने बोला था उठने के बाद ओट्स खाना है और उसमें प्रोटीन में डाल लेता हूँ, ये रहे ओट्स। और अभी सर मेरी डाइट तैयार करेंगे कि सुबह से रात तक मेरे को क्या खाना है। और जिन लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ना, तो आज से आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरी एक्सरसाइज बताऊंगा कि कितने मैंने सेट किए, कितने रेपिटेशन किए, कैसी मैं डाइट ले रहा हूँ, वो आप फॉलो करो। अगर आप कटिंग करना चाहते हो और अपनी मसल साइज गेन करना चाहते हो, तो आपको ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन पूरी फॉलो करनी है। मैं गारंटी देता हूँ 3 महीने में आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, मजा आ जाएगा। बट आपको एक भी एपिसोड मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं हर वो चीज़ बताऊंगा जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज से आप भी स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट एपिसोड में तुम्हारा भाई किसी एक इंसान के क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा। मेरी वाइफ को भाई व्हाइट वाली टी शर्ट पसंद नहीं आई, तो चेंज कर ली। ओले ओले ओले। तो ये है मेरी पहली मील, जिसमें है ओट्स, 1 स्कूप प्रोटीन, बादाम, काजू और थोड़ा सा दूध। तो ये आप ले सकते हो। अगर आप एक्सट्रीम कटिंग कर रहे हो तो दूध को अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि दूध में थोड़ी सी दिक्कत आती है बहुत सारे लोगों को। डिपेंड है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे। अगर आप एंडोमोर्फ हो, अगर आपका फैट लॉस बहुत मुश्किल से होता है, तो डेयरी प्रोडक्ट को अपनी डाइट से हटा दो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा फैट लॉस में। बट अगर आप मीजोमोर्फ और एक्टोमोर्फ हो तो आप दूध ज़रूर ऐड कर सकते हो। सेम डाइट, बट मेरी मत खाना वो अब की बार भाई। अभी मैं ये 2 गोली ले रहा हूँ डॉक्टर चॉइस के लिव सपोर्ट की। पिछली तैयारी में पता है ना मेरा लीवर कितना डैमेज हो गया था, वो तो सर ने ठीक करा दिया था। बट अब की बार तुम्हारा भाई वो गलती नहीं करेगा। स्टार्टिंग से भाई तुम्हारा भाई प्रोटेक्ट करके चल रहा है लीवर को। तो 2 गोली मैं अभी ले रहा हूँ। आपको भी ये डॉक्टर चॉइस का लिव सपोर्ट सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करना चाहिए, ये टोटल लीवर प्रोटेक्शन है, ठीक है। 3 लोगों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहला वो इंसान जो रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करता है, दूसरा वो इंसान जिसकी साइकिल चली होती है। सॉल्ट अगर आपके चले हुए, स्टीरॉइड्स अगर आपके चले हुए हैं, तो आपके लीवर में दिक्कत मिलेगी ही मिलेगी। तीसरा वो इंसान जो बाहर जाके तला पला बहुत ज़्यादा खाता है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाता है। इन 3 इंसान को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लीवर अपने आप को हील अपने आप कर लेता है, ठीक है। अगर आप अल्कोहल पीते हो या सॉल्ट चले हुए, लीवर हील कर लेगा, बट वो प्रोसेस बहुत लंबी होती है। तो ये क्या करता है, उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है, और ये पूरा लीवर प्रोटेक्शन है, ठीक है। आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें है 22 तरीके के अलग अलग नेचुरल इंग्रेडिएंट, जैसे मिल्क थीसल, जिंक, चिकोरी, डेड लियोन, बीट रूट, ये सारे इसमें डाले गए हैं। 22 है, 22। अगर आप इसे यूज करोगे, आपका जो लीवर का जो काउंट है वो हिलेगा नहीं। ऑब्वियसली आपको अपनी ये हैबिट सुधारनी पड़ेगी। अगर आप अल्कोहल लेते हो या आप सामान चला रहे हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सब चीज़ों का। मैंने ब्लड टेस्ट कराया, आपने देखा होगा कि मेरा सब कुछ ठीक था, ठीक है। कैसे, क्योंकि मैं एक हेल्दी डाइट में ले रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ रेगुलरली, और मैंने ये डॉक्टर चॉइस का लीव सपोर्ट भी लेना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। अगर आपको अपना लीवर बचाना हो, प्रोटेक्ट करना हो, आप इसको 12 महीने पूरे साल ले सकते हो, क्योंकि इसमें है सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट। सर कल से है ना सर, अपना रूटीन बहुत सही कर दूंगा सर, ठीक है। क्या सही करेगा तू? सर जल्दी उठा करूंगा और जल्दी सर सोया करूंगा। तेरे को कल का ही था मैंने कि भाई टाइम से कर लिया कर। कर लूंगा सर, आज से कर लूंगा सर। ठीक है ठीक है। और सर ठीक हो आप? बढ़िया भाई, और बताओ? हाँ, चिकन बनेगा। आज सर के घर पे डिनर है हमारा, शादी के बाद ऐसे जाते हैं ना फैमिलीज में डिनर करने,
तो आज सर ने इनवाइट किया हुआ है। सर बोल रहे थे बाहर चलते हैं, मैं बाहर जाके ना ऐसा हो गया मेरे को कि अब बाहर नहीं जाना, मेरे को डेली की डेली बाहर जाना पड़ रहा था। आप बोल रहे थे सर कि अब की बार पहले ही श्रेड कर देनी है बॉडी। श्रेड तो अब देख स्टेप बाय स्टेप चलेगी, लेकिन जो पीक है वो तो फिर स्टेज पे ही आएगी। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। लेकिन कटिंग का शुरुआत अभी कर देंगे, जैसे हमने पिछली बार तो तेरा क्योंकि काफी सारे इश्यूज थे, वेट कम था, मसल नहीं था, मसल को फिल करना था। हांजी हांजी, अब वो इश्यूज नहीं है, अब हमें सिर्फ तेरा फोकस करना है फिनिशिंग पे। अब की बार अलग अप्रोच है पूरी। अब अलग अप्रोच है, पिछली बार अलग थी, टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता है। तब हमने सिर्फ 20 दिन दिए थे थोड़ा कटिंग को, कटिंग के लिए, और उसमें भी ध्यान ये रखा गया था कि साइज ना जाए थोड़ा भी। लेकिन इस बार जो अप्रोच है वो अलग है, इस बार सिर्फ फोकस रहेगा जो। तो डाइट में सर क्या चेंजेस करूं? डाइट में फिलहाल तो अभी जो तो बार का बंद कर, पहला स्टेप तो यही है कि डाइट क्लीन कर दे बस। तो जिसको भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो पहला स्टेप है क्लीन डाइट। आपने सर कर रखी है स्टार्टअप ना? मैं अब शुरू किया देख 2-3 दिन पहले। तो अब मैं तो वेट यही थी कि तू आए और फिर इकट्ठे हम वर्कआउट्स और ये सारा, क्योंकि जब तक वर्कआउट प्रॉपरली नहीं करूंगा मैं डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आपका तो गोल सर आर्नोल्ड क्लासिक का है ना? हाँ वही करूंगा मैं तो बेसिकली, बट तेरे साथ साथ मेरा ये टारगेट है कि 3 महीने में अभी तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। तो पिछली बार तो आप लोगों ने मेरी तैयारी देखी थी सिर्फ, अब की बार सर की भी साथ में तैयारी देख रहे हो आप। आज सर क्या करें? चेस्ट कर लेते हैं, चेस्ट चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स कर लेते हैं। ठीक है, पुश मूवमेंट्स में। ठीक, तो आज हम कर रहे हैं चेस्ट और ट्राइसेप्स, चलते हैं करने। आज क्या करेंगे? वेट ट्रेनिंग के बाद 15-20 मिनट साइकिलिंग या कार्डियो। अच्छा, फैट कम करना शुरू कर दे। ठीक है सर, तो अब की बार पूरी अप्रोच चेंज है, पूरी चेंज है, मैं कहता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की। अब तू देखेगा सही ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। तो पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं पुशअप्स, 2 सेट हो चुके हैं, ये 3रा सेट है मेरा, और वेटेड पुशअप्स कर रहा हूँ। सर ने बोला है कि 10 किलो की प्लेट लगा के करने हैं, तो सारा फोकस है माइंड मसल कनेक्शन पे, ज़्यादा वेट नहीं रखना चल, ना कम वेट रखना। चलने दे, अब उत्तरी। कितने सेट करेंगे इसके? 3 बहुत है, लास्ट है। ठीक है, 3 सेट कर रहे हैं, मूवमेंट शुरू करेंगे पुशअप्स के। तो ये वार्म अप ले लिया हमने, ये वार्म अप हो गया। तो दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, बहुत दिन बाद बारबेल से। भाई वेट बढ़ाते हुए चल रहे हैं हर सेट में,
ताकि बढ़िया ओवरलोड आए बॉडी पे। यस आ जाओ चल खींच कंट्रोल स्लो हाँ पुश हार्ड हाँ यप पुश गुड कंट्रोल कंट्रोल पुश स्क्वीज चल 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 हाँ गुड जाने दे गया यस यस भैया फ्लैट बेंच बारबल प्रेस के हमने करे थे 4 सेट, अब वहाँ पर बेंच खाली नहीं है, इंक्लाइन प्रेस इसका डंबल से करनी थी हमें, तो हम इस मशीन पे आ गए हैं जो कि बहुत बढ़िया मशीन है। तो इसके देखते कितने सेट लेने हैं और जो वेट है हम बढ़ा रहे हैं हर सेट में थोड़ा थोड़ा। गुड बहुत अच्छा स्क्वीज कर रहा पैक्स को। चलने दे ब्रीद ब्रीद पूरी फुल अंदर डीप ब्रीद हाँ हाँ गुड डीप ब्रीद स्क्वीज स्क्वीज ये इनका यूज कर हाँ परफेक्ट गुड सर देखो कहाँ यूज कर रहे हैं हथेलियों का ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देने के लिए। क्या बात है सर बहुत इफेक्ट आया भाई बुरी तरह बिल्कुल धीरे धीरे मसल्स को फील कर चल दबा हाँ धीरे धीरे हाँ स्लो एंड स्क्वीज करते हुए ये यहीं फोकस गुड चलने दे वेरी नाइस कॉन्ट्रैक्ट हाँ बहुत अच्छे फिर से कर 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 स्क्वीज स्क्वीज ये यहीं से हाँ वहीं से मूवमेंट को थोड़ा सा चेंज यप फिर से हाफ यप तो भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं सर हमारी कौन सी है पुशअप्स प्रेस प्रेसेस मशीन तीन चौथी है हर एक्सरसाइज के हम 4 सेट लगा रहे हैं आज तो सेट का यही हिसाब रखना वेट हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो ये बढ़िया लगी मेरे को फ्लाई है एक तरीके की हाँ डंबल से करते हो ना उस तरीके की फ्लाई है बस फोकस करना है my new
orange colored duck sauce on the new couch with my chucks on. Get the on with that hate. I'm big cool on the small chat, cause I know now that I'm all that. Got a Hawkeye on the ball cap. Get the out of my face. Talking to my mirror like I love you so much. Curving on my critics like I heard you, so what? You can't kill my confidence, I think I'm the man. Tally all the f*** I ever gave on my head. Lately I've been living like I can't take a loss. They ain't wanna help me, that's what made me a boss. You can't kill my confidence, I think I'm the man. We don't give a f***, that's what they don't understand. अब कर रहे हैं भाई, चेस्ट की लास्ट होगी है, हैं? ये लास्ट है भाई एक्सरसाइज चेस्ट की, जो है डिप्स, जिसको बोलते हैं घोड़ी, और वो कर रहे हैं वेटेड। तो ये कर रहे हैं हम ट्राइसेप्स की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि है ट्राइसेप्स पुश डाउन, और मेन फोकस रहेगा कॉन्ट्रैक्शन पे। वेट ज़्यादा नहीं करेंगे, मीडियम है, ना हल्का ना भारी। तो भाई ये कर रहे हैं हम ट्राइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज, जो है ओवरहेड प्रेसेस, और मैं लूँगा भारी वेट इसमें थोड़ा। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज थी, अब तो मैं करता नहीं ट्राइसेप्स, और बाइसेप्स सर ने मना किया हुआ है, बट आज बोल रहे हैं कर ले, थोड़े ट्राइसेप्स भी ध्यान दे देंगे। बस आज के लिए इतना बहुत है, अभी हम कर रहे हैं साइकिलिंग, तुम भी करोगे, एब्स करोगे, क्यों? मैं और मेरी वाइफ फुकेट जा रहे हैं और करा भी जा रहे हैं। ये रेगुलर कार्डियो अब शुरू कर दी हमने, फैट बर्निंग करनी है। हाँ है ना, तो हल्का हल्का फ़ायदा देता है, और थोड़ा ये है कि इससे हमारा जो कार्डियो वस्कुलर सिस्टम है वो भी हेल्दी होता है। हाँ, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा शुरू कर रहे हैं अब। ठीक है, चिकन सर बढ़िया बनाना है आपको आज, अच्छा खासा चिकन बनाऊंगा। तू आज ऐसा ही बढ़ गया बिल्कुल। हाँ, होटल्स का भूल जाएगा, सोनिया को नहीं देना बस। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा वो। तुम तो एब्स निकाल रहे थे ना वो। चिकन करी बनाएंगे सर, करी बनाओगे सर? हाँ, है ग्रेवी वाला। ठीक है, ग्रेवी वेज में क्या खाना है? वेज में मजा आएगा उसके साथ, राइस और रोटी का। हाँ, वेज वगैरह नहीं। वेज तो रोज ही खाए जाते हैं, अब नॉन वेज खाना है बता। और वैसे भी थाईलैंड में तो सर सारा ही सी फूड है, वहाँ तो दबा के खाएंगे, वहाँ सी फूड खाओ भाई। थोड़े से दिन का एक घूमने का प्लान बनाया है,
तो मैं और वाइफ दोनों जा रहे हैं तो तैयारी स्टार्ट रहेगी क्योंकि अभी कोई पार्टी नहीं, ठीक है। वहाँ पर अगर जाएंगे भी तो डाइट अच्छी रखेंगे, सुबह वर्कआउट करेंगे उठते ही, ठीक है। कितने मिनट तक करेंगे सर? 20 मिनट। 20? अच्छा लंबा करा दोगे आप तो। लंबा कहाँ है यार, 20 मिनट क्या है। हाँ अब बताओ सर डाइट का। डाइट में पहले तो क्लीन कर डाइट को, देख जितना बाहर का और जंक फूड है सब निकाल दे, ठीक है। उसके 1% भी नहीं मतलब। हाँ बस सीट मिलनी अभी फिलहाल तो इतना ही कर बस। बस ये है भाई डाइट की अपडेट, सिर्फ मेरे को घर का खाना खाना था हेल्दी। वही सर चिकन अंडे राइस रोटी ओट्स। जरूरी नहीं है यार, घर का जो भी खाना हेल्दी है। हाँ समझा। हाँ सब्जियाँ खा, पनीर खा, अंडे की भुर्जी खा, चिकन खा, फिश खा, जो मर्जी खा, पर घर का खा। पर घर का खा, ठीक है सर। ऐसे मज़ा आता है सर डाइट फॉलो करने में। अब आप बोल दो 5-6 टाइम बॉयल खाना खाना है। नहीं नहीं नहीं, बॉयल तो खाना ही नहीं। बहुत सारे लोग सर बॉयल चालू कर देते हैं हर टाइम। नहीं नहीं चढ़ो सर एक बार पता चले। मैं भी देखूँ अपना चल भी रही है। चलेगी खड़े तो ये यार टोपी पे। वाह 88.85 किलो हाँ तो इतना जायजा सेम है हमारा दोनों का। बढ़ा दूंगा सर मैं, अब मैं बढ़ा दूंगा और अब खाना स्टार्ट करूंगा आज से। हाँ शादी में वेट कम हो गया। चलो भी चलते हैं। देख लिया आपने डे वन है आज से तैयारी का और 88.5 किलो वेट है सर। 90 लेके जाऊँ या नहीं? तू तो नॉर्मल खाता है अपने आप जहाँ जाएगा जाने। ठीक है कोई पर्टिकुलर लेके ना चले अब, मुझे भूख लगी हुई है। खुराक आपको पता ही है सर सोनिया की कितनी है। कम हो गया ये सोच के टेंशन ये सोच के और भूख लगी। इतना वेट जब मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था। अरे वेट तो बढ़ जाएगा, खाते ही बढ़ेगा वेट। खाते और वर्कआउट करते जैसे मसल बढ़ेगा ना वेट अपने आप बढ़ेगा। मेन गेन होता है मसल के साथ क्योंकि फैट से ज्यादा वेट होता है मसल का। रात हो गया भाई घर आते आते, कल से थोड़ा जल्दी जाया करेंगे वर्कआउट करने। फिलहाल सर बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर के लिए बाय। मक्खन भी है, मक्खन ये वाला ही था ना? हाँ ये अमूल बटर। ठीक है ओके बाय सर। बाय बाय मिलते हैं जल्दी। बढ़िया चिकन बनाना है सर, बढ़िया भूखे पेट आऊंगा बिल्कुल। बैठो बैठो थक गए, बहुत भूख लगी है ना। जब से देखा है मेरा वेट कम हो गया तब से तो और ही फील होने लग गया। कोई बात नहीं, अगर तुमने जिम जाने से पहले 2 मील भी ले ली ना तुम्हारा वेट है ना विद इन थाईलैंड जाने से पहले बढ़ जाएगा। हाँ तो सुबह उठती सबसे पहले अपना ओट्स और एग खाओ और होल एग स्टार्ट करो, वाइट मत खाना, कम से कम 2-3 होल एग खाओ। अभी मैं खा रहा हूँ होल एग, सुबह मैं लेट उठा था तो मैंने सिर्फ ओट्स खाए थे तो होल एग की कमी अभी पूरी कर रहा हूँ। 5 खा लिया, 3 रहते हैं। सर ने बोला था कि अगर 8 मैं होल एग खाता हूँ पूरे दिन में तो उसमें से 5-6 होल कर दूँ, जो 3 है इसके अंदर की योग मैं निकाल दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद जाना है सर के घर डिनर करने। तैयारी करनी है भाई, बढ़िया बढ़िया तैयारी करनी है। क्या डिस्कस करें सर डाइट का? डाइट का हम ये डिस्कस करते हैं, तेरी प्लानिंग है, जाए तो जाए थाईलैंड लेकिन डाइट को फॉलो करना भाई। देखो सर पार्टीज बहुत हुई। हाँ अब नहीं, ठीक है। फुल डे ऑफ ईटिंग की मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा तो वो आप देख लेना। अभी मैं सर से डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे डाइट स्टार्ट करनी है। एक बार स्टार्ट तो करूँ मैं, फिर बताऊँगा कि क्या कैलरीज चल रही है, क्या प्रोटीन, क्या कार्ब्स, क्या फैट, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सर अब भूख लगी है, भाई सर भी बड़े होने को तैयार है, चिकन ला दो। राइस है तू रोटी लेगा, राइस पसंद करेगा। राइस और रोटी दोनों ना, थोड़े से राइस खा थोड़ी सी रोटी। ओनली राइस नो रोटी? क्या वो क्या दिक्कत आएगी रोटी से?
रोटी बहुत खा ली, चावल ही खाऊंगी। भाभी आज तक मत जाना डाइट बना बना के मेरी मेरी खुराक देख के, और सोनिया अगर अपने पे आ गई खुराक लेने तो बढ़िया बना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थक मत जाना आज। अच्छा बना, बढ़िया बना सर। कितना चिकन था सर? चिकन 1 किलो 700 ग्राम 1 किलो 700 ग्राम तो चिकन है। 5 रोटी होगी अभी मेरी, यहाँ पर 2 रखी है, 3 खाली, चावल रखे हैं अभी भी। आज मेरे को लग नहीं रहा मेरी भूख मिटेगी आज। अभी खा रहा हूँ, भाभी को भी खाना देख लो, चिकन दिखा रहे बाबू। ये सर ने टारगेट दिया खत्म करना, खत्म टारगेट नहीं है सर, ये बेसिक नीड है, ये टारगेट नहीं है। आप ले लो एक फुल्का, एक ले लो। मैं बस ज्यादा हो जाएगा यार। कैसा लगा मुझे ना चिकन की? एक बढ़िया बात है सर, मसाला नहीं है बिल्कुल, खा जाएगा। हल्दी तो अभी सर के घर से आए हैं, सोनिया पूरी रेडी होके गई थी आज। साड़ी वाले ने उल्लू बना दिया। क्यों? उसने बोला था ये प्लेट्स बना के दिए, और मैं खोल रही थी वहाँ पे, उसने बोला अरे नहीं नहीं भरोसा रखो, बना के दिए घर जाके। अच्छा, उसने ये वो नहीं बनाए? हाँ, तो खुद ही बांधनी पड़ी। फिर सर की मम्मी ने बांधी। चलो भाई फोटो खींच लेता हूँ, फोटो खींच दूँ। हाँ। बढ़िया एकदम, एकदम बढ़िया। ठीक है तो चलो भाई, गुड नाइट सभी लोगों को। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, मील लेनी है, वापस से डाइट स्टार्ट करनी है, वर्कआउट करने जाना है, मतलब पूरा रूटीन वापस से बढ़िया करना है और बढ़िया बॉडी बनानी है। तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, 5 मिलियन करा दो जल्दी से। लाल कलर का बटन है, जिसने अभी तक नहीं दबाया है दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टिल द नॉट पीस गेंस।